नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी कल। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना अपनों का ध्यान बहुत अच्छी तरह रख भी रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो कि आयुर्वेदिक है लेकिन वो आपकी स्किन की सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। अगर आप आयुर्वेदा पर विश्वास रखते हैं, आपको कोई भी केमिकल यूज़ करने से बचना चाहते हैं, तो इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है इसे हर एक उम्र में इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चों के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो का इंतजार देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेरमो नीम क्रीम की। ये 30 ग्राम की पैकेजिंग में आती है, अंडर 100 आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, आप चाहें तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये एंटी एक्ने और एंटी स्कार्स को दूर करती है। एक्ने तो जहाँ तक है जाते जाते कुछ टाइम में चले जाते हैं, लेकिन जो एक्ने की वजह से आपकी स्किन पर होल हो जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, पोस पड़े हो जाते हैं या उनके दाग धब्बे रह जाते हैं, ये उन पर भी काम करती है। इसमें एलोवेरा का यूज़ किया गया है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हीलिंग पावर बढ़ा देती है, आपकी स्किन हील होती चली जाती है। इसमें नीम है जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, साथ ही साथ जो डार्क स्पॉट है एक्ने है उसे ख़त्म करती है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इसे डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को वॉश करने के बाद। बेटर रिजल्ट के लिए आपको इसको 2 से 3 बार दिन में यूज़ करना है। आप इसको इस्तेमाल करने के बाद बाहर धूप में भी आ सकते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आपकी स्किन इससे रेड नहीं होगी, बर्न नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप जब तक चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जब चाहें इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए आप चाहते हैं आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्ने है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्कार्स हैं, तो 6 महीने इसको रेगुलर आपको यूज़ करना होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।